हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 15 अक्टूबर तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस, और इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की एक वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में लिंक मिल जाएगा, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके मैथ रीजनिंग के सभी क्वेश्चन जो भी मुझे मिल पाए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का अपडेट पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है त्रिपुरा की राजधानी। त्रिपुरा की राजधानी पहले भी पूछी जा चुकी है और इसका राइट आंसर आपका अगरतला हो जाएगा, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विनेश फोगाट किससे संबंधित है, तो विनेश फोगाट आपका कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, ये कृष्णा सोबती जी इनको दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हाउस कहाँ पर है, ये आपका लंदन में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा आवर्त, तो पहला आवर्त सबसे छोटा है जिसमें केवल दो ही एलिमेंट है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था आपका पीरियोडिक टेबल से, सेकंड एंड थर्ड आवर्त में कितने एलिमेंट है, ठीक है, कितने तत्व है, ये टोटल 8 तत्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है CEO पेटीएम, तो पेटीएम के CEO भी यहाँ पे पूछे गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय शेखर शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है CEO BCCI, तो इसका हो जाएगा राहुल जोरी राइट आंसर, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी मिक्स है, तो ये मत बोलिएगा कि सारे के सारे ये तो थर्ड शिफ्ट में नहीं आए थे, ठीक है। सरला पुरस्कार से संबंधित कोई पर्सन था, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका था ISSF चैंपियनशिप रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला है, देख के जाइएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। GST कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में, ये क्वेश्चन था। और GST लागू करने वाला पहला राज्य, ये क्वेश्चन तो 1000 बार पूछा जा चुका है, और ये ऊपर वाला भी, तो यहाँ पे राइट आंसर आसान हो जाएगा। 2018 फीफा वर्ल्ड कप विनर कौन रहा था, फ्रांस, राइट आंसर हो जाएगा। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ये कतर में होना है, तो ये इसका कतर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन की, उसके बाद फिर मैथ के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो मिरर इमेज से कुछ एक क्वेश्चन था टॉल, इसका आपको बताना था। मिरर इमेज देखिए बहुत ही सिंपल है, मिरर इमेज का तो आप ये समझिए कि फ्री के मार्क्स है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान लेते हैं कि इसको करना कैसे है। देखिए मिरर अगर यहाँ पे रखा है, तो मिरर के पास में जो चीज़ें हैं उसको मिरर के पास में ही रखना है, जो दूर है उसको दूर ही रखना है, और डायरेक्शन भी वही रखनी है जो कि मिरर के मतलब डायरेक्शन में। देखिए अगर मिरर यहाँ पे रखा है, एल की क्या कौन सी डायरेक्शन मिरर के पास में, ये वाला, तो इधर ये ही वाला डायरेक्शन आपको पास में लेके आना है। तो इसी तरीके से आप कर लेंगे, एल का भी इधर को हो जाएगा, ए तो चेंज नहीं होगा, टी भी चेंज नहीं होगा, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे मिरर इमेज में आपका कोई मतलब अल्फाबेट भी पूछ ले जा रहे हैं, कोई इमेज भी दे दी जाती है, तो इमेज में आपका अगर इस तरीके की कोई इमेज दे दी जाती है, फिर इससे भी कोई हार्ड इमेज दे दी जाती है, तो आपको उसमें भी वही काम करना है जो ऊपर मैं बता के आया हूँ। मिरर अगर यहाँ पे रखा है, ठीक है, अगर वोटर इमेज पूछा जाए तो बस ये मानना है आपको कि मिरर नीचे रखा है, बाकी और कोई चेंज नहीं देखना है। तो यहाँ पे मिरर यहाँ पे रखा है, तो मिरर के पास में कौन सी चीज़ है, मिरर के पास में एरो तो नहीं है, एरो तो दूर दिख रहा है, मिरर यहाँ पे है, दूर एरो है, तो एरो तो दूर ही रहना है, पास में क्या ये पॉइंट है, तो पॉइंट पास में रहेगा, तो आपने कुछ इस तरीके से बनाना है और वैसे का वैसे बिल्कुल आपको ये कर देना है, ठीक है। तो कोई हार्ड नहीं है, ऐसे कैसे इधर बन जाएगा, मतलब आपको तो बनाना भी नहीं है, मैं बना के आपको समझाया तो थोड़ा आपको लग रहा होगा, बट आपको तो बस ऑप्शन ही चेक करने हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। एक डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो दोनों चैप्टर एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस सिलोगिज्म और आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन ही देख के जा रहे हैं, तो इनके साथ साथ में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और मिरर इमेज, ये मतलब 3-4 चैप्टर हैं, इनको जरूर देख करके जाइएगा जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट जो बच्चे ने बोला मैंने उस तरीके से उसको मतलब उसी तरीके से बना ली थी उसी टाइम पे इमेज। तो यहाँ पे बोला गया था कि दक्षिण, ए मान लीजिए कोई बंदा है ए,
वो दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद में वो राइट साइड में मुड़ जाता है, और राइट साइड में मुड़ने के बाद में वो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वो अपना राइट साइड में मुड़ जाता है दोबारा से, और फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो राइट साइड में मुड़ जाता है, और फिर 5 किलोमीटर चलता है। इस तरीके से जब वो पूरा मुड़ने के बाद में फाइनल स्टेज पे पहुंचता है यहाँ पे, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि वो कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो कितनी दूरी हो जाएगी, देखिए हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 5 किलोमीटर की दूरी पे है ही, और बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई, यहाँ से वो चला था यहाँ तक पहुँच गया, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। बाकी डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन भी आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे पश्चिम की दिशा में ये मूव कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पश्चिम की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपके पूछा गया था, ठीक है। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, बस आपको ये सोचना है जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर लेफ्ट राइट बोला जाए, तो आपको खुद को एज्यूम करना है कि मैं अगर वहाँ पे खड़ा होगा तो मैं किस डायरेक्शन में मूव करूँगा, ठीक है ना। अपने हैंड को देखना है कि मेरा राइट कौन सा है, मेरा लेफ्ट कौन सा है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक छोटा सा स्टेप अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया तो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को ऐसे करना है आपको। और एक क्वेश्चन था आपका इस लॉगिन से, तो इसको कैसे करना है, सभी लैंप पोल हैं और कुछ पोल पाइप हैं। तो देखिए सभी के सभी लैंप जो है आपके लैंप आपने बनाया, और सभी के सभी लैंप आपके पोल बना दिया आपने इस तरीके से, और कुछ पोल पाइप हैं, तो कुछ पोल आपने पाइप भी बना दिए। तो वेन डायग्राम बनाने में तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कंक्लूजन क्या क्या है इसमें। कंक्लूजन पहले वाला है आपका कुछ लैंप पाइप हैं, तो कुछ लैंप पाइप हैं तो ये तो नहीं हो सकता, लैंप और पाइप के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पे शो नहीं किया गया है, तो हम ये बोलना मतलब गलत होगा कि कुछ लैंप पाइप हैं। दूसरा है यहाँ पे कि कुछ पाइप पोल हैं, पाइप और पोल के बीच में रिलेशन है, तो बिल्कुल सही है, कुछ पाइप पोल आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका एक सीरीज थी कि देखिए बहुत ही अच्छी सीरीज है, ZAVCRENG, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे खाली स्थान दे रखा था, और FK, ये आपको बताना था कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इनके बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो ईजिली बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, जो फर्स्ट है और नेक्स्ट वाली जो दूसरा पेयर है उसका फर्स्ट है, उसमें क्या चल रहा है, -4 -4, ठीक है, -4 और -4 वाली सीरीज चल रही है। फिर अगर सेकंड वाले का देखा जाए तो सेकंड के पेयर के सेकंड से +2 +2 +2 चल रहा है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे -4 -4 करते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ से एन में से हमने -4 किया तो यहाँ पे आपका जे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे +2 +2 +2 करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए, और जी में हमने +2 किया तो आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जे और आई आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कथन निष्कर्ष से ही, यहाँ पे दिया गया था प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, और उसमें क्या क्या आपके कंक्लूजन दिए गए थे। पहला था कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है ना कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेंगे कि जितने भी प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं वो सभी के सभी मेहनती होते हैं। तो जब सभी के सभी मेहनती होंगे तो कुछ वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिक ही सेटिस्फाई हो जाएगी ना, कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं, तो बिल्कुल सही है, पहले वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कथन में कहीं नहीं बोला गया है कि सरकारी कर्मचारी मेहनती होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें स्टेटमेंट आपका फर्स्ट राइट रहेगा, सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कभी भी आपका जो कथन होता है, कथन से बाहर कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाती है, कोई भी कंक्लूजन दे दिया जाता है, कंक्लूजन कुछ भी हो कथन से बाहर, तो वो आपका रोंग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मचारी के बारे में बात ही नहीं की गई है, सरकारी कर्मचारी के बारे में, तो इसके बारे में हमें बोलना मतलब गलत ही होगा, ठीक है। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा था ओरपिट, ओरपिट को लिखा जाता है SWVLB, और गोविंद को क्या लिखा जाएगा। तो ओरपिट और SWVLB में क्या रिलेशन है, एक बार रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे कि गोविंद को कैसे लिखना है। तो रिलेशन इसमें एक ही चल रहा है, देखिए यहाँ पे +4 +5 +6 +7 +8,
इस तरीके से मतलब कि एक एक नंबर इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं और प्लस करते हुए, मतलब प्लस वाली सीरीज ही चल रही है। जैसे ओ में प्लस फोर किया तो एस बन गया, आर में प्लस फाइव किया तो डब्लू बन गया, और पी में प्लस सिक्स किया तो आपका वी हो गया, ई में प्लस सेवन किया तो एल हो गया, और टी में प्लस आपका एट हुआ तो बी हो गया। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या चल रही है, प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट। और नेक्स्ट आपका गोविंद में भी देख लेंगे इसी तरीके से। तो गोविंद में आपका जी में प्लस आपने फोर किया तो के हो गया, ओ में प्लस आपने फाइव किया तो टी हो गया, और वी में प्लस सिक्स किया तो आपका बी हो गया, और आई में प्लस इसी तरीके से मतलब आपने सब किया तो प्लस प्लस करते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, के टी बी पी वी एम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें हमने क्या क्या सीरीज चल रही है, इसमें प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, के टी बी पी वी एम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे अगर आप इसको इतना देख लेते। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक मैथ से। मैथ का एक क्वेश्चन मुझे पता चला है, ये वाला आया था कि 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना था, यदि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है तो अमर की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पे सीधे सीधा तो रेशो नहीं दे रखा है, बट इनडायरेक्ट वे में रेशो दे रखा है। ठीक है, अमर और उसके पुत्र की आयु का रेशो दे रखा है। जैसे यहाँ पे बोला गया 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व यहाँ पे, सॉरी ये 8 नहीं होगा, ठीक है इसको 5 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 मान के ही पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है। तो 5 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना था, इसका मतलब अमर और पुत्र के बीच में क्या कितने का रेशो बन गया, 5:1 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं हुआ है बट इनडायरेक्ट वे में आपको ये रेशो गिवेन है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले का रेशो ये है, तो -5 मैंने यहाँ पे रख लिया ताकि मुझे याद रहे कि ये 5 वर्ष पहले का रेशो है। ठीक है, यदि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है तो अमर की वर्तमान आयु क्या है। तो अब ये बताइए, वर्तमान आयु का योग तो हमें पता है कि 64 वर्ष है, बट जो रेशो पता है वो 5 साल पहले का पता है। तो इस जो ये एज है 64 वर्ष, इसको मैं 5 साल पहले की एज बना लूँगा। अगर मैं 5-5 साल दोनों की माइनस कर दूँ, अमर और अमर के पुत्र की, तो ये कितना हो जाएगा, 10 साल माइनस करूँगा तो कितना बचा, 54 ईयर। ठीक है, 54 साल। तो ये 54 साल जो अभी आया है, 54 ईयर, ये अमर और अमर के पुत्र की वर्तमान आयु का योग नहीं है, ये आपका 5 साल पहले की आयु का योग हो गया है। ठीक है, तो अब इस योग को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा किस में, अमर और अमर के पुत्र की जो रेशो मुझे पता है 5 साल पहले का, 5:1 में। तो 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से करेंगे भाई, 54 को 6 से डिवाइड कर देंगे, दोनों के जो एज का रेशो का सम मतलब रेशो है उन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 1 6 से भाग कर देंगे, अमर की पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 से 54 जाएगा, 9 टाइम, और 9 की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 ईयर। तो अमर के अमर मतलब अमर जो है उसकी एज कितनी आ गई, 45 ईयर, और ये कब की एज है, ये 5 साल पहले की है, तो इसमें 5 साल प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50 ईयर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। और एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है ये, यहाँ पे बोला गया है कि ए पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है, बी पाइप उसे 15 घंटे में भर देता है, और सी पाइप उसे 20 घंटे में भर देता है। तो इसमें कंडीशन क्या थी वो देखिए, मेन चीज़ ये है कि ए पाइप ओपन ऑल द टाइम, जो ए पाइप है वो हमेशा चलता रहेगा, एंड बी और सी पाइप ओपन अल्टरनेटिवली, यानी कि बी और सी जो पाइप है वो बारी बारी वर्क करेंगे और ए ऑल द टाइम ओपन रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आगे आएगा तो फिर आप इसको इजीली कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, देखिए ए 12 घंटे में भर लेता है, बी 15 में भर लेता है, और सी 20 में भर लेता है। तो इन सभी का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60, बिल्कुल बहुत आसान है। तो 60 जो है ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गई, उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट की। अभी 60 यूनिट को ये ए 12 घंटे में भर देता है, यानी कि एक घंटे में कितना भरता होगा, 60 को 12 से भाग कर देंगे तो 5 यूनिट पानी ए भरता है एक घंटे में। इसी तरीके से 60 को 15 से भाग कर देंगे तो बी एक घंटे में भरता है 4 यूनिट पानी, और 60 को 20 से भाग कर देंगे तो सी भरता है एक घंटे में 3 यूनिट पानी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए को तो हमेशा ओपन रखना है, तो ए 5 यूनिट पानी भरता है, तो ए तो बी के साथ भी चलेगा और सी के साथ भी चलेगा, जो अल्टरनेटिवली वर्क करेंगे वो बी और सी करेंगे। तो ए चलता रहेगा
ठीक है, बी उसके साथ में आएगा, फिर ए चलता रहेगा, फिर सी उसके साथ में आएगा, और इसी तरीके से अगर ये वर्क करेंगे तो कितनी टाइम में इस टैंक को ये खाली सॉरी भर देंगे, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखना है, देखिए ए और बी मिलके पाँच पाँच और चार यानी कि 9 यूनिट भरते हैं, फिर नेक्स्ट ए और सी आते हैं तो ये ए और सी 5 और 3 यानी कि 8 यूनिट भरते हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो 17 यूनिट पानी ये भरते हैं, कितनी 2 घंटे में, और इनको भरना कितना है 60 यूनिट पानी। तो आपको एक 17 का एक ऐसा टेबल पढ़ना है, एक ऐसा पारा पढ़ना है कि जो 60 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 60 से कम करेंगे यानी कि 17 3 जा कितना होता है आपका 51, तो 60 में से आपने 51 माइनस किया तो आपका 9 रिमेनिंग बच गया, ठीक है। अभी रिमेनिंग को हम यहीं पे रखते हैं, हमें क्या करना है 17 3 जा मैंने किया है, बट 3 में 2 की मल्टीप्लाई होगी, इसका रीज़न क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने अभी आपको क्या बताया, अल्टरनेटिवली वर्क करेंगे। अल्टरनेटिवली वर्क का मतलब है कि बारी बारी वर्क करेंगे, पहले ए और बी करेंगे, फिर ए और सी करेंगे, यानी कि जो काम ये 1 घंटे में कर सकते थे अभी उस काम को करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे 3 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कितना होगा 6 आर यानी कि 6 घंटे तो इन्होंने अभी तक पूरा वर्क कर लिया है, 9 रिमेनिंग बचा हुआ है, 9 यूनिट वर्क अभी भी बचा हुआ है, 9 यूनिट पानी भरना अभी भी बचा हुआ है। उसको भरने कौन आएगा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो रिमेनिंग वर्क होता है उसको भरने सबसे पहले वो आता है जिसने वर्क स्टार्ट किया था। तो वर्क ए और बी ने स्टार्ट किया था यानी कि 9, और ये ए और बी दोनों मिलकर के 1 घंटे में 9 यूनिट वर्क करते हैं, और ये 9 यूनिट वर्क ही बचा हुआ है, तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा 1 घंटा, तो 6 घंटे तो इन्होंने पूरे लिए थे अभी तक जितना हमने वर्क कराया, और 1 घंटा ये, तो इसका मतलब 7 घंटे में ये वर्क पूरा कंप्लीट होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट इतना सा ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेटिवली भी 2 तरीके के हो सकते हैं आपके, या तो ए और बी और सी, तीन बंदे मतलब 3 पाइप हो गया, फिर 3 वर्कर हो गया कोई भी, जब वर्क करते हैं तो उसमें अल्टरनेटिवली थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें बोला गया ना ए ओपन ऑल द टाइम, यानी कि ए तो चलता ही रहेगा, बी और सी अल्टरनेटिवली करेंगे, बट यहाँ पे अगर ए और बी ही 2 पाइप होते और बोला जाता कि अल्टरनेटिवली वर्क करेंगे, तो ए और बी दोनों ही अल्टरनेटिवली करते हैं, यानी कि ए पहले चलता फिर बी चलता फिर ए चलता फिर बी चलता, इस तरीके से वर्क करते तो फिर टाइम कुछ और आता, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाता। तो ध्यान रखना आपको, जैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पहले नहीं आया है, अब मतलब फर्स्ट टाइम देखने को मिला है आपके एग्जाम में, और इसको मतलब मैं करा चुका हूँ आपको पहले जब कोर्स कंप्लीट कराया था, तो एक बार फिर देख लेते हैं। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, 64 यानी कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 60 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो डिस्टेंस बताओ यानी कि उनके बीच की दूरी बतानी है। तो कोई व्यक्ति कहीं पे जाता है, मान लीजिए अपने घर से स्कूल जाता है, कहीं पे भी जाता है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, और जब 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो उनके बीच की दूरी है कितनी, डिस्टेंस कितनी है वो आपको निकालनी है। तो ट्रिक यहाँ पे याद रखिएगा, मतलब कि डेल्टा टी इंटू S1 × S2 अपोन में S1 − S2, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए डेल्टा टी का भी बताऊँगा मैं क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा टी S1 × S2 स्पीड 1 और स्पीड 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, और नीचे स्पीड 1 और स्पीड 2 की डिफरेंस आपको लेना है, यानी कि माइनस करना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है, माइनस में वैल्यू को लेकर नहीं आना है, डिफरेंस लेना है। तो डेल्टा टी का मतलब ये होता है जब एक साइड में लेट होता है और एक साइड में जल्दी पहुंच जाता है, तो डेल्टा टी आपका हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। मान लीजिए यहाँ पे होता कि एक साइड में वो लेट हो रहा था और दूसरी साइड में भी लेट होता, तो उस टाइम पे डेल्टा टी आपका होता वो टाइम का डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ पे होता कि एक साइड में आपका जल्दी पहुंच जाता, ठीक है, लेट नहीं होता मतलब जल्दी पहुंचता, और फिर दूसरे टाइम पे वो स्पीड को बढ़ाएगा तो फिर भी जल्दी पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे भी आपको उस टाइम का डिफरेंस ही लेना है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो 60 की चाल से चलता है तो 5 मिनट से लेट पहुंचता है, 64 की चाल से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि ये एक साइड में लेट है और एक साइड में जल्दी है। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 10। अब 10 मिनट है तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो इसको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चाल दे रखी है आपको किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आर में, तो यहाँ पे इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 10/60 कर लेंगे, ठीक है, आपको पता है ना मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं।
फिर यहाँ पे चाल देख के आपकी 60 × 64 और 60 − 64 हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनका इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से तो जीरो कट हो जाएगा, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर तो 1 बचाना, नीचे कितना बचेगा 4, इन दोनों का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे 6, तो 6 × 4 करेंगे तो यहाँ पे आपका 160 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी 160 किलोमीटर की है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई धन ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि यदि ए को 1 रुपया मिलता है तो बी और सी को क्रम 65 पैसे और 35 पैसे मिलता है, यदि सी का भाग 840 रुपये हो तो कुल धन कितना होगा। तो ए का भाग अगर 1 रुपया है और बी और सी का 65 पैसे और 35 पैसे है तो यहाँ पे बिल्कुल हम किसी का भी भाग निकाल सकते हैं। किस तरीके से भाई, 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं तो मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया, बी का मुझे पता है बी को 65 पैसे मिल रहे हैं और सी को यहाँ पे 35 पैसे मिल रहे हैं, इनका एक रेशो बना लेते हैं। ठीक है, रेशो क्या होता है, जब तक ये किसी कॉमन नंबर से कट होते रहेंगे तो इनको कट करते जाएंगे और जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो आपका रेशो बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 से कट हो जाएगा आपका 7 टाइम, ये कट हो जाएगा 13 टाइम और ये हो जाएगा 20 टाइम, तो यहाँ पे 20 × 13 × 7 का आपका रेशो बन गया। यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है, सी की, यहाँ के सी का भाग कितना है 840 है और पूछा टोटल अमाउंट कितनी है, कुल धन कितना है, तो 7 की वैल्यू, जो 7 रेशो है उसकी वैल्यू कितनी है 840 है, तो 7 इक्वल आपका 840 है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, टोटल वैल्यू बतानी है, तो 840 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 840 डिवाइड बाय 7 और इंटू कर देंगे 40 से, 40 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का सम 20 + 13 + 7 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई मतलब इनके इन सभी के सम की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 7 से 840 जाएगा 120 टाइम और 120 की अगर मैं 40 में मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा 4800, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में था इतना ही, अब मैं आपको थोड़े से टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, टॉपिक बता देता हूँ किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मैथ की बात कीजिए तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम दोनों से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ट्रेन हो गया आपका, ठीक है, परसेंटेज हो गया, डीआई से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में, एसआई सीआई हो गया, एज हो गया। अगर मैथ की मैं ओवरऑल बात करूं तो मैथ से हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो सारे के सारे चैप्टर एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, मिरर वाटर इमेज हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे चैप्टर हैं। अगर आप इन 8 चैप्टर को भी पढ़ के चले जाते हैं तो अप्रोक्स आपका रीजनिंग में 20 to 25 मार्क्स का मतलब बन जाएगा। ठीक है, 2-4 नंबर का इधर उधर से पूछा जा सकता है, बट इतना तो आपका यहीं से पूछा जा रहा है। देखिए ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, फिर इस लोग से आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन फिक्स है, मिरर और वाटर इमेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, सीरीज से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन, तो आप इसको जोड़ करके देखिए 20 से प्लस ही मतलब क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में था इतना ही, और आपको अगर इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप बस टेलीग्राम पे सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, वहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक शेयर कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।